दोस्तों हम संगम क्षेत्र में आ गए हैं, काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर है, काफी भीड़ है दोस्तों। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, कल अमावस्या का नहावन है, अमावस्या पर्व है, मौनी अमावस्या कहते हैं, तो काफी काफी भव्य दृश्य है दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ये तंबुओं का शहर लग रहा है प्रयागराज, माघ मेले में काफी अच्छी व्यवस्था। दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं मानव कल्याण संस्थान, जो अमेठी का यहाँ पर भव्य पंडाल सजा हुआ है। आपको तो दिखाते हैं, आपको ये बाबा जी हमारे तरफ के थे तो हम सोचे एक बार आपको दिखाया जाए। तो यहाँ पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का पूजन होना है, और शिवलिंग आपने अभी देखा होगा वीडियो में, तो यहाँ पर काफी भव्य। दोस्तों हम संगम क्षेत्र में आ गए हैं, काफी अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर है, काफी भीड़ है दोस्तों। जैसा कि हम बताना चाहेंगे, कल अमावस्या का नहावन है, अमावस्या पर्व है, मौनी अमावस्या कहते हैं, तो काफी सुंदर है, काफी अच्छा है, काफी व्यवस्था की गई है दोस्तों यहाँ पर। और ये हमारे गांव के पंडित जी मिल गए हैं, दीपू पांडे जी। तो दीपू पांडे जी कब आए आप? 25 तारीख 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को आए, कैसी व्यवस्था लगी यहाँ की? व्यवस्था यहाँ की बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो टेंट बिजली है सारा फ्री है ना? जी जी, सब फ्री है, सब फ्री है। और कहाँ है आपका आश्रम? मानव कल्याण संस्था। नहीं आना चाहे तो कोई लोकेशन बताइए, जैसे संगम लोअर मार्ग। संगम लोअर मार्ग, अच्छा, गोरी चौराहे के सामने। हाँ जी, दोनों पुल के सामने। अच्छा, ये वो वाला पुल और ये इधर का रेलवे के पुल, दोनों के बीच में इनका ये आश्रम पड़ता है दोस्तों। तो अगर आना होगा दीपू जी के आश्रम पर तो यहाँ पर आ सकते हैं। इसका लोकेशन है संगम लोअर मार्ग, जो पहला पीपा पुल है उससे आप आ सकते हैं, उससे आपको राइट हैंड पर पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे बाइक के द्वारा संगम क्षेत्र का भ्रमण, कैसे क्या यहाँ पर तैयारियां हैं, कितने लोग आए हैं, तो मिलते हैं दोस्तों बाइक पे। तो दोस्तों आप देख रहे हो बाइक के द्वारा पूरा ये संगम क्षेत्र का भ्रमण, और काफी कितने लोग हैं, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, काफी भीड़ है यहाँ पर। कल जैसा कि मौनी अमावस्या का यहाँ पर पर्व है, काफी लोग यहाँ पर नहाने आए हैं, और सामने ये दिख जाएगा दिव्य ज्योति जागृत संस्थान का आश्रम है, और यहाँ पर काफी
लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और इधर भी आप देख सकते हो हर चीज की दुकानें मिल जाएंगी दोस्तों। अभी हम है संगम लोअर मार्ग पर काली मार्ग की तरफ हम जा रहे हैं दोस्तों। काफी भीड़ चारों तरफ देख सकते हो जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते हो, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये चौराहा आ गया, त्रिवेणी मार्ग है ये, तो जैसा कि देख रहे हैं काफी बड़ा लंबा जत्था है यहाँ पर। व्यवस्था की बात करें दोस्तों तो काफी व्यवस्था है, सुरक्षा चाक चौबंद है दोस्तों, काफी पुलिस यहाँ पर लगी हुई है और बाइकों को यहाँ अंदर आना मना है। जिसकी बाइक अंदर है उसकी अंदर ही है, जिसकी बाहर है उसकी बाहर ही है दोस्तों। और घाट की बात करें तो दोस्तों काफी सुंदर बनाया गया हुआ है घाट को, तो यहाँ पर घाट की और पुलिस व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था दोस्तों सारी फ्री है। काफी अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर सरकार के द्वारा, जिनका जितना भी बखान किया जाए कम है दोस्तों। आप देख रहे हो यहाँ पर काफी अलग ही इसका महत्व है, जैसा कि हर बार होता है यहाँ पर माघ मेला, और 2025 में यहाँ पर कुंभ होगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर संगम क्षेत्र का काफी बड़ा हुजूम है दोस्तों, हम आपको वीडियो में देखना दिखाना चाहेंगे। पीछे काफी लोग यहाँ पर आए हैं और काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप आएंगे यहाँ पर तो काफी अच्छा लगेगा। अभी ये 6 फरवरी तक चलेगा दोस्तों, 6 फरवरी को पूर्णिमा की यहाँ पर पर्व है, पूर्णिमा पर्व है जहाँ पर यहाँ पर नहावन होता है दोस्तों, और महाशिवरात्रि तक चलता है, कुछ लोग यहाँ पर महाशिवरात्रि तक रुके रहते हैं। तो दोस्तों पीछे हमारे देख सकते हैं आप काफी लोग हैं, काफी अच्छा लग रहा है जैसा कि, तो अगर आप आइएगा तो काफी अच्छा लगेगा और भी खूबसूरत दिखता है यहाँ पर चारों तरफ का मार्ग अगर देखा जाए तो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्रयागराज माघ मेला की प्ले लिस्ट में हमारे जाकर और भी यहाँ का वीडियो देख सकते हैं। तरह तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट को चेक करें और वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज।